हेलो फ्रेंड, मैं संजय को स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, आरआरसी जयपुर से एक अपडेट सामने निकल कर आ रहा है जो रेलवे ग्रुप डी कैंडिडेट के लिए है। तो इसमें रेलवे ग्रुप डी के कैंडिडेट देखिए, तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या जो है नोटिस जारी किया है। ठीक है, विषय केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या 02/2018 में चिकित्सकीय जांच के विरुद्ध अपील के संबंध में। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो है 2018 से EN02/2018 में मेडिकल जो अनफिट कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है। इसमें ग्रुप डी के कैंडिडेट भी जो है इस वीडियो को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन सा मेडिकल कैटेगरी के लिए अगर आप फिट नहीं होते तो आपका जो है वो जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, ये देखिए किस डेट को आया था। तो ये आपका आया था कि 27 जनवरी 2022 के डेट में ये आ चुका है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं कि और इसमें क्या लिया गया है। इसमें कहा गया है, इस कार्यालय द्वारा जारी महत्वपूर्ण सूचना आरआरसी लेवल 2/2018 चिकित्सा प्रमाण पत्र 10/7/2020 के संबंध में केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या 02/2018 के तहत लेवल 1 के पदों पर भर्ती हेतु दस्तावेज सत्यापन के उपरांत जिन अभ्यर्थकों को चिकित्सा कोटि B2, C1 एवं C2 में फिट घोषित किया गया है या सभी चिकित्सा कोटियों में अनफिट किया गया है तथा वे चिकित्सा जांच से संतुष्ट नहीं थे, उन्हें चिकित्सा जांच के विरुद्ध अपील करने के निर्देश एवं लिस्ट इस कार्यालय की अधिकृत वेबसाइट RRC.jaipur.in पर संदर्भित सूचना द्वारा जारी किए गए थे। इसी की निरंतरता में निम्नलिखित अभ्यर्थियों के नाम संदर्भित पत्र में संलग्न सूची के क्रम में 256 एवं 257 पर जोड़ा जाता है। तो इन कैंडिडेट ने जो है यहाँ पे जो है वो जारी किया, जो चिकित्सा हुआ था उनका जो मेडिकल जांच होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद तो यहाँ पे उन लोगों ने जो है अपील किया था, जिसका नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं, साहिल सिंध्र पुत्र समीर सिंधु, जन्मतिथि 15/8/1995। ठीक है, इनको कौन सा कैटेगरी में अनफिट किया, देखिए अनफिट A2 में अनफिट किया गया है और A3 एंड B1, तो इन लोगों को जो है अनफिट कर दिया गया, जिनके बाद इन्होंने जो है रीमेडिकल अपील यहाँ पे किया है। ठीक है, अगला क्या इसमें नोटिस है, देखिए, बाकी सभी निर्देश इस कार्यालय द्वारा जारी संदर्भित पत्र संख्या 10/7/2020 के अनुसार यथावत रहेंगे। आपको अपनी अपील एक महीने के अंदर दिनांक 26/2/2022 तक 26 फरवरी 2022 तक इन लोगों को जो है अपना अपील प्रस्तुत करना है रिमेडिकल के लिए, नहीं तो इसके बाद जो की गई अपील पर किसी भी परिस्थिति में विचार जो है वो नहीं किया जाएगा। ठीक है, इन लोगों को जो है दिया गया है यहाँ पे रिमेडिकल के लिए टाइम दिया गया, कौन सा टाइम दिया गया फ्रेंड देख लीजिए, 26 फरवरी 2022 तक अगर ये लोग रिमेडिकल का अपील नहीं करते हैं आरआरसी जयपुर में तो इन लोगों का जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल यहाँ पे कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या इसमें नोटिस दिया गया है। चिकित्सा जांच के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने के क्रम में रेलवे भर्ती बोर्ड संख्या, यहाँ पे संख्या जो दिया गया है, ठीक है, तो केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या 02/2018 मतलब जो ग्रुप डी 2018 में आया था उसके लिए है, लेवल 1 के पदों पर भर्ती हेतु दस्तावेज सत्यापन के उपरांत अभ्यर्थकों को चिकित्सा कोटि A2 एवं बिलो के लिए चिकित्सा जाँच हेतु रेलवे चिकित्सालय भेजा गया। तो देखिए फ्रेंड, ग्रुप डी का जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो आपका क्या होता है A2 हो सकता है या उससे नीचे हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए इन लोगों को जो है रेलवे चिकित्सालय भेजा गया था, जिसमें संलग्न सूची एनेक्सर 1 में दर्शाए गए अभ्यर्थियों को उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर के लिए अधिसूचित पदों के लिए निर्धारित चिकित्सा कोटि में फिट नहीं किया पाया गया। तो जो कैंडिडेट नाम देखें उन लोगों को जो है अनफिट कर दिया गया है। ठीक है, अर्थात चिकित्सा कोटि में B2, C1, C2 में फिट किया गया है या सभी चिकित्सा कोटियों के लिए अनफिट किया गया। तो जो आपका होता है A2 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपका जो चिकित्सा का श्रेणी होता है वो A2 होता है, जैसे ALP के लिए आपका जो होता है वो A1 मेडिकल होता है। ठीक है, अगर आप ALP के लिए कैंडिडेट हैं तो आपका जो मेडिकल वो होता है वो A1 होता है, लेकिन ग्रुप डी वालों के लिए A2 होता है। A2 से अगर नीचे आते हैं तो आपका जो है वो मेडिकल स्टैंडर्ड आपको लो हो जाता है, जिस कारण से जो है आपको कैंडिडेचर आपका रद्द किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया, देखिए, अनफिट किया गया जो अभ्यर्थी उक्त चिकित्सा जाँच से निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वो इसके विरुद्ध अपनी अपील निम्नलिखित निर्देशों को पालन करते हुए प्रस्तुत कर सकता है। तो जिन कैंडिडेट को यहाँ पे अनफिट किया गया फ्रेंड, तो वो लोग को जो है यहाँ पे 26 फरवरी तक जो है वो टाइम दिया गया है। 26 फरवरी तक अगर ये लोग अपील करते हैं, ठीक है, तो अपील का प्रोसेस भी हम बताएंगे किस प्रकार से जो है आप अपना अपील कर सकते हैं। तो अगर आप जो है निर्धारित समय मतलब 26 फरवरी तक आपको टाइम दिया है, 26 फरवरी तक आप लोग अपील कर देते हैं तो आपको जो है दोबारा जो है मेडिकल वहाँ पे जांच किया जाएगा। अगर उस टाइम अगर आप फिट पाए जाते हैं तो आपको जो है यहाँ पे जॉब मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या निर्देश दिया गया है। अपील प्रमुख मुख्य चिकित्सा निर्देशक जयपुर उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर का अध्यक्ष रेलवे भर्ती कोड जयपुर के माध्यम से प्रस्तुत की जानी है। अपील का प्रारूप एनेक्सर 2 में जो है वो दिया गया है।
तो यहाँ पे आपको कुछ डिमांड ड्राफ्ट भी जो है वो बनवाना पड़ता है। देखिए, अपील के साथ एनेक्सा 3 के प्रारूप में चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है। चिकित्सा प्रमाण पत्र एनेक्सा 3 द्वारा निर्धारित प्रारूप में संलग्न नहीं होने पर अपील पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मतलब कि आप जो है अगर यहाँ पर अपील करते हैं तो उससे पहले आपको जो है यहाँ पर किसी डॉक्टर से, ठीक है, आप अपने प्राइवेट में भी कर सकते हैं, सरकारी में किसी डॉक्टर से आपको दोबारा अपना जाँच करवा लेना पड़ेगा और उस लेटर को, ठीक है, मतलब वो जो डॉक्यूमेंट आप जांच करवाई है उसका रिपोर्ट को आपको यहाँ पे संलग्न करना है। और साथ ही इसके साथ आपको जो है 1,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट आपको जो है वो देना है। ठीक है, किसको देना है देख लीजिए, अपील के साथ 1,000 रुपये का आपका FNO CAO NWR जयपुर पेवल एट जयपुर के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट संलग्न किया जाना अनिवार्य है। उक्त राशि 1,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट अपील के साथ संलग्न नहीं होने पर अपील पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, तो इसमें अगर 1,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट उसमें नहीं भेजते हैं अपना एप्लीकेशन के साथ तो आपका जो है उसको कार्रवाई नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब आपको दोबारा रीमेडिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो लेकिन अगर आपका जो है अगर रेलवे के द्वारा कोई गलती हुआ है मेडिकल जांच में, अगर आप उसमें फिट हो जाते हैं तो आपका 1,000 रुपया जो है वो वापस लौटा दिया जाएगा। अगर रेलवे जो नोट जारी किया है मेडिकल स्टैंडर्ड आपका, अगर वो सही पाया जाता है दोबारा तो आपको 1,000 रुपया वो नहीं लौटाएगा। लेकिन आप जो अगर आप सही होते हैं तो आपको वो पैसा 1,000 रुपया लौटा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको भेजना है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, यहाँ पर दिया गया पता कि आपको कहाँ पे यहाँ पे भेजना है। ठीक है, तो चलिए एनेक्सा 2 में आपको प्रारूप दिखा देते हैं किस प्रकार होना है। देखिए, श्रीमान मुख्य चिकित्सा निदेशक उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, मैंने यहाँ पे आपका नाम होगा, केंद्रीकृत रोजगार संख्या 02 के तहत अधिसूचित लेवल 1 के पदों पर भर्ती है तो ऑनलाइन आवेदन किया था। मुझे कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के शारीरिक दक्षता परीक्षा सफल होने तथा दस्तावेज सत्यापन के उपरांत निर्धारित चिकित्सा जांच के लिए रेलवे चिकित्सालय इसमें दिनांक इतना को भेजा गया था। मेरी रेलवे द्वारा नामित चिकित्सा कमेटी द्वारा चिकित्सा जाँच की गई जिसमें मुझे निम्न में से किसी श्रेणी में उपयुक्त घोषित किया गया था। तो आपको इसमें किसी में एक में आपका जो भी हो मेडिकल स्टैंडर्ड जो रेलवे ने दिया इसमें आपको वहाँ पर टिक करना है या भरना है। ठीक है, तो उसके बाद जो है मैंने उपयुक्त चिकित्सा जांच से संतुष्ट नहीं होने के कारण अपनी जांच सरकारी या निजी चिकित्सालय में किस डेट को आपको कराया वो यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे इसके बाद आपको इस फॉर्म को भर के यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट लिख के अपना नाम पता यहाँ पे सारा कुछ आपको भर देना है, नाम, पिता का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका, रोल नंबर, CVT का यहाँ पे आपको भेज देना है। इसके बाद ये डिक्लेरेशन है इसको भी आपको भर के यहाँ पे भेज देना है। फ्रेंड, यहाँ पे एड्रेस आपका जो दिया गया था इस एड्रेस में आपको जो है यहाँ पे भेज देना है 1 महीने के अंदर में, मतलब जब भी आपको SMS मिला उसका 1 मंथ के अंदर में आपको जो है वो अपील कर देना है, तो आपका अपील को जो है वो स्वीकार कर लिया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड देख लीजिए आप लोग जो ग्रुप डी के कैंडिडेट जो देने वाले हैं 2019 का ग्रुप डी, ठीक है, 2019 वाले कैंडिडेट भी इसको देखे होंगे वीडियो को, तो आप समझ गए होंगे कि आपका जो मेडिकल होना चाहिए ग्रुप डी के लिए वो A2 होना चाहिए। ठीक है, इसके बिलो में अगर आप उसके नीचे आपका होता है तो आपको जो है वो दोबारा यहाँ पे करवाना पड़ सकता है, मतलब A2 के लिए मान्य है, ग्रुप डी में A2 मेडिकल होना जरूरी है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।